हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं इसराइल के इस एरिया में फोन क्यों बैंड हैं। देखिए कहाँ है, बैंड है मतलब फोन अलाउड ही नहीं है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लोग फोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो फोन छोटा वाला यूज करते हैं, तो तीन लोग नहीं जा सकते भाई, बाकी सबको मिलिट्री में जाना कंपलसरी होता है, लड़का रहे या लड़की। अगर आप अपना स्मार्टफोन लेके भाई इस एरिया में घूमे तो भाई आपका फोन ले लिया जाएगा। और भाई यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है कि आप छोटे कपड़े में यहाँ से पास मत हो, इनको भाई एकदम रहना खाना हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ सही मुफ्त मिलता है। कौन सी जगह है ये? इसराइल में। इसराइल है कि पैलेस्टाइन में? बस बैंक में गए होंगे। देखिए कहां है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से इंडिया भी जाकर स्वागत करता हूं। भाई फिलहाल मैं तैयार हूं अब इसराइल जाने के लिए और इसराइल पैलेस्टाइन को छोड़ने के लिए। फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूं पैलेस्टाइन के सबसे बड़े शहर हेब्रोन में और भाई अभी मैं जा रहा हूं बस लेने के लिए जेरूसलम की तरफ। जेरूसलम के पास है, पैलेस्टाइन है तभी मतलब इंडिया सुन के खुश हो जाते हैं। यहाँ पे भाई इंडिया को बोलते हैं हिंद, तो जरा चला जाए भाई। 2 बज रहे हैं, पूरा बाजार तैयार है यहाँ पे। पाकिस्तान इंडिया इंडिया या हेलो नमस्कार थैंक यू हेलो हेलो इंडिया यस। सब क्यों पूछते रहते हैं ऐसे, उनको क्या फर्क पड़ना चाहिए कौन सी कंट्री से? थैंक यू वेरी मच। तो भाई फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अच्छी बात है कि इंडिया के लिए तो वापस से तीसरी बार हम तो किसी को नहीं बोल रहे हैं इसराइल की तरफ। मतलब बड़ा वियर्ड है इसराइल पैलेस्टाइन, क्योंकि आप 2 कदम चलोगे तो आपको इसराइल मिल जाएगी और 2 कदम इधर आओगे तो आपको पैलेस्टाइन आ जाएगा। और आसमान जमीन का अंतर है। ये पैलेस्टाइन क्योंकि उसका स्कार्फ वैसा ही है जो मैं आजकल देखता हूँ। मुझे लगा कोई और है। कुछ मैंने पैलेस्टाइन खरीद लिया, ये भाई पैलेस्टाइन स्कार्फ है। उसको भी देखा है ना, सलमान खान को मूवियों में पहने हुए, सलमान खान और शाहरुख खान को, पठान और कौन सी मूवी थी मुझे याद आ रहा है, देखा हुआ। थैंक यू शुक्रन अस्सलाम। चलो भाई ले लिया एक पैलेस्टाइन का, कुछ समझ नहीं है, मुझे लगा था फ्रिज वगैरह ले लूंगा मैं यहाँ से, बट मुझे एक्चुअली हेड स्कार्फ भी अच्छा लगा। कुछ जो मैं खुद यूज ब्लैक और व्हाइट में होता है उनका, कभी कभी इस चीज को यूज करूंगा भाई। वो 30 कह रहे थे, फिर मैंने काफी नेगोशिएट किया, फिर 10 पे आए, मैंने कहा 10 दे देता हूं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर 20 तक मैंने इसको ले लिया। तो भाई ये मैंने लिया 20 लोकल करेंसी में, तो भाई 460 रुपए के आसपास का पड़ेगा। आई मीन थोड़ा महंगा था बट मैंने कहा चलो ठीक है, अब लास्ट टाइम कितना नेगोशिएट करूँ, अगर अच्छे से नेगोशिएट होता भाई 15 तक मैं आराम से मिल जाता। चलो भाई अब चलते हैं। तो भाई अगर मार्केट की बात करें भाई, तो मार्केट पूरी तरह से एकदम फुल रखा है अभी, क्योंकि अभी शाम का समय आने वाला है, वापस से लोग रोजा तोड़ेंगे। डेंजरस जगह है। नमस्ते। यहाँ से तो वो बन रही है रुमाली रोटी बन रही है। बैग के लेके साथ अब मैं जा रहा हूँ बस लेने के लिए। दो दो बैग पकड़े हुए, एक आगे एक पीछे है। चलो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मार्केट। बहुत ही ये भी पुरानी पुरानी जगह लग रही हैं। तो भाई वापस से आ गए बॉर्डर क्रॉसिंग के पास। ये क्या है, जंगले जंगले भाई, हमें कोई दिक्कत बॉर्डर क्रॉसिंग, लेकिन लोकल्स का वो लोग आईडी वगैरह मांगते हैं। इससे तो आज तक भाई आईडी नहीं मांगा गया अभी तक, तो बस स्माइल कर रहा था। नो नॉट येट, नो नोबडी चेक्ड आवर आईडी येट, सो देखता हूँ। यहाँ पे अभी वापस से सेम क्रॉसिंग है भाई, तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है ये वाला क्रॉसिंग, ये थर्ड क्रॉसिंग है मेरा। कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? और इसमें हम लोग जब बोल रहे हैं कि हम लोग जेरूसलम जा रहे हैं, जो कि प्रॉपर इसराइल, और तेल अविव भी जाएंगे जो कि प्रॉपर इसराइल पड़ता है। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ब्रेक थोड़ा भारी है, हो सकता है कि चेक कर सकते हैं बैग के अंदर क्या है। वेल भाई तो हमारी एंट्री हो चुकी है वापस से इसराइल में, यही से जाएगी भाई हमें बस, जो कि डायरेक्टली हमें जेरूसलम छोड़ेगी। वो वहाँ पे दो तीन लड़कियाँ थी, मैंने उनसे पूछा, जो कि पैलेस्टिनियन थी, उन्होंने कहा कि इनको इधर आने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ हमें मिलती है इजाज़त। तो उन्होंने पूछा कि तुम जो लड़की थी वहाँ पे, जो चेक पॉइंट में लड़की, जो बॉर्डर पुलिस जो लड़की थी, उन्होंने कहा कहाँ से हो? मैंने कहा इंडिया से हूँ। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, वेलकम, चले
तो कह रहे पैलेस्टीन से जो दूसरी वो उनको नहीं अलाउ कर रहे हैं, ये थोड़ी कोई पैलेस्टीन के तो इन्हीं के साथ यू कांट कम पैलेस्टीन पीपल कांट कम टू इजराइल। एक बात आपको मैं और बता दूं भाई कि जब मैं क्योंकि मैं इजरायली साल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, जब हेब्रोन में था ऑलरेडी इजराइल के साइड में था तो बस पे बैठा और बस के बाद कोई चेक पॉइंट भाई आया ही नहीं, डायरेक्टली मुझे उन्होंने जेरूसलम में छोड़ दिया। जेरूसलम भाई लाइक पैलेस्टाइन वाले क्लेम करते हैं इनके कैपिटल है, इजराइल वाले बोलते हैं इनके कैपिटल है, तो यार ये पॉलिटिकल मसला है, आप खुद सॉल्व कर लो क्योंकि इसकी नहीं है। लेकिन हालांकि कंट्रोल को इजराइल करता है, मैं ये बताऊंगा कि कंट्रोल को इजराइल करता है जेरूसलम को। तो भाई हम लोग बस पे बैठे, कोई चेक पॉइंट नहीं भाई, किसी ने चेक नहीं किया हमारा पासपोर्ट नहीं कुछ भाई, हमारा एक्चुअली इजराइल के कहीं पासपोर्ट चेक अभी तक हुआ ही नहीं है, हॉस्टल वाले ने हमारा पासपोर्ट लिया है लेकिन अगर बात करें किसी ने हमारा पासपोर्ट बिल्कुल चेक नहीं किया है। तो फिलहाल भाई हम लोग अपने हॉस्टल तो सिर्फ इंडिया बोलते जाने दे रहे हैं, फ्लाइट है भाई तो मैं अभी आ गया हूं भाई। ये एरिया ज्यादा अच्छा है इजराइल को जैसे एंटर किया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, दिस इज नाइस। यहां पे क्या हिसाब किताब है, वो तो बहुत बुरा हाल लग रहा था पुराना, ये कितना सुंदर है, ठीक ठाक स्पेस लग रहा है भाई यहां पे, अच्छे खासे लोग भी दिख रहे हैं मुझे स्ट्रीट पे, जाके इस एरिया में देखता हूं आज लास्ट फ्लाइट को एंजॉय करता हूं इजराइल के अंदर। इजराइल और ओए वाह ये देखो ये थी क्या, बिना ट्रैक के कहां से चल रही थी, ट्रैक है नीचे, ट्रेन ट्रेन भी हो सकती है, ट्रेन तो जो ट्रेन लगी ट्रेन थी, ट्रेन ऐसे चल रही थी सड़क पे नहीं है जगह। सच कहूँ तो यहाँ से जाने के लिए काफी एक्साइटेड भी हूँ यार, अप्रैल का महीना चल रहा है और मैं इस तरह के होल्ड और ठंडी में लगा के घूम रहा हूँ भाई। बात करो तो आर यू एक्साइटेड टू फॉर इंडिया बिकॉज़ ऑफ द वेदर? यस आई एम एक्साइटेड फॉर वार्म वेदर। बहुत ठंडा है भाई, क्या बताऊँ यहाँ ठंड है इसराइल में अभी, टोपी लगा रखा हूँ, ठंड लग रही है, मैं थोड़ा सा हम तो गर्मी में मर रहे हैं। इंडिया जाने के लिए एक्साइटेड हूँ यार, इंडिया जा रहे हैं और मैं जाऊंगा, मुझे मजे आएंगे भाई इंडिया में, इंडिया में वेदर 38-39 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, मतलब आई थिंक अप्रैल का महीना, आई थिंक इंडिया इजराइल बहुत है, देखो बसेस कितनी सुंदर है, हॉटेस्ट महीना इंडिया में आने वाला है और वहीं पे मजे आएंगे हमें। वेल तो मैं फिलहाल मैं चल रहा हूं इस समय इस वाले एरिया में, यहां पर भाई आपको जितने भी लाइक जो ट्रेडिशनल ज्यूज है ना वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेरे आगे से गए भाई, एक्चुअली जो ट्रेडिशनल और जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के ज्यूज होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि उनका उसका ड्रेसिंग स्टाइल बड़ा ही डिफरेंट होता है। पहले तो भाई वो साइड से बाल बढ़ाते हैं, उनके रिलीजन में कुछ कुछ ऐसा है जिस तरह की टोपी भी उनकी जो क्या होती है अलग होती है, चोटी निकालते हैं तो उसी तरह इनके रिलीजन में यहाँ से चोटी निकाला जाता है इस वाले पार्ट से, कान के ऊपर वाले पार्ट से। और दूसरी वाली बात भाई वो टोपी बड़े बड़े टोपी पहनते हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टोपी होती है भाई, और काले सूट पहनते हैं पूरा एकदम काला काला व्हाइट शर्ट होती है, सूट ही पहनते हैं आपको दिखेंगे। और दूसरी बात भाई की यहाँ पे एक्चुअली जो लोग फोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो फोन छोटा वाला यूज करते हैं, मतलब अभी भाई यहाँ पे भाई 5G आता है, इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा खासा आगे है भाई, यहाँ पे 5G वगैरह मस्त नेटवर्क आता है, बट फिर भी आपके पास देखना फ्लिप वाला फोन होगा, वो आप किसी के पास आईफोन वगैरह नहीं होगा भाई। तो ये यहाँ पे हिसाब किताब है, एक जूस भाई जो की फेसबुक पे है, फेसबुक बना रखा है, फेसबुक का फाउंडर है, और यहाँ के जूस भाई छोटे मोटे यूज करते हैं, ये हिसाब का एरिया है। तो मैं चल रहा हूँ भाई इस एरिया में, तो भाई जरा देखो जैसे कि आपकी मेरे भाई जैसे भाई हैं, जिस भाई जो मेरे सामने से गए ये वाले जो भाई हैं, इनके पहले हाथ में भाई छोटी फोन है और उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है कि भाई टोपी पहन रखा है उन लोगों ने भाई, तो यहाँ हो सकता है जो पूरे वो हो ट्रेडिशनल वो नहीं रखते होंगे और ये छोटे वाले यूज करते हैं। मिलेंगे जो होस्ट थी तिकबा, उन्होंने मुझे चार बात बताई थी। पहली बात तो भाई कि यहाँ पे कौन कौन भाई लोग मिलिट्री में नहीं जा सकते, पहली भाई जो इजरायली अरब है उनको मिलिट्री में जा नहीं सकते, उनको जरूरत नहीं मिलिट्री में जाने की भाई। और दूसरी बात भाई की जो की ऑर्थोडॉक्स है, जिस तरह की जो बहुत ही रिलीजियस पीपल है, बहुत ही जो रिलीजियस यहाँ के लोग हैं वो नहीं जा सकते, और तीसरी बात साथ जो कि मेंटल जिसको प्रॉब्लम है वो नहीं जा सकते, तो तीन लोग नहीं जा सकते भाई, बाकी सबको मिलिट्री में जाना कंपलसरी होता है, लड़का रहे या लड़की, यहाँ पे हिसाब किताब ऐसा है। ये भाई कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ये एरिया, और भाई इसी एरिया में आपको सारे के सारे रिलीजियस पीपल मिलेंगे, स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं जो कि बहुत रिलीजियस होते हैं और आपको हर जगह प्रे करते दिखेंगे। जब मैं वेस्टर्न वॉल की तरफ गया था या तो फिर मैं अब्राहिम मॉस्क गया था भाई, वहीं पे जा भाई सब प्रे करते हैं, ये ऐसा हिसाब किताब है भाई। हालांकि रात का समय है बट फिर भी आपको जो भी मैं दिखा पा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भाई एक जीब्रा क्रॉसिंग है, और ये जिस तरह ये भाई को देख रहे हो किस तरह इन्होंने कान के पास से बाल बढ़ा रखे हैं और टोपी पहन रखे हैं, उसी तरह भाई सबका ड्रेसिंग सेंस होता है। और भाई बच्चे भी यार एक्चुअली आई थिंक पैदा होने के बाद जिस तरह आई थिंक सिख रिलीजन में जिस तरह बाल काटते नहीं है ना, यहाँ पे भाई लोग पैदा होते ही भाई साइड से बाल उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जरा चला जा भाई इस एरिया में कैसा है, ज्यादा है वैसे भाई। यहाँ पर जितने भी लोग मैंने देखे हैं अभी तक किसी के पास भाई बड़ा फ़ोन नहीं है, सब भाई छोटे छोटे फ़ोन यूज़ करते हैं, नोकिया टाइप का जो फ़ोन होता है तो फ्लिप स्क्रीन मोस्टली यूज़ करते हैं भाई, इसके साथ जो फ्लिप स्क्रीन होता है।
समझ नहीं आया कि जब 5G है, सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जानता उनके पास तो है आईफोन नहीं, वो तो जो यहाँ होंगे वो हैं, पर वहाँ पे जो जाते रहते हैं इज़राइल वगैरह, वहाँ रहते भी कई लोग, आते भी हैं, बट मेन हो सकता है कि जो नए वाले हैं उसमें उनको लगता होगा कि लोग आपको कुछ हैक हुक कर लेंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन कंट्री की ले लेंगे या कुछ उस टाइप से, इसलिए वो अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन, या सभी लोग मिलिट्री में कुछ रूल होता होगा कि वो नहीं यूज करना, स्मार्टफोन नहीं यूज करने, वो पंगे होंगे, कुछ होगा बताना अगर आपको पता होगा। पर देख लो, इसराइल में और पैलेस्टीन में इंडियन कोई जाए उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वहां पे पैलेस्टीन में गए तो वहां के भी लोग बोल रहे थे इंडिया इंडिया, और कई तो पाकिस्तान में पूछ रहे थे। चेंज होने वाला है क्योंकि पहले इंडिया फिलिस्तीन के साथ था, वो तो अभी भी है, मगर अब मोदी जी ने बोला था कि इंडिया स्टैंड्स इज इजराइल, तो इसलिए अब स्टैंड चेंज हो रहा है। वहां तक भी न्यूज आ गई होगी कि इंडिया स्टैंडिंग विद इजराइल नॉट फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के साथ भी हैं, मगर इस केस में जहाँ पे हमास ने जो कुछ भी किया है, इंडिया वॉज विद इजराइल, इज विद इजराइल, तो अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। बट ये याद रखना पड़ेगा कि जितना भी वेस्ट बैंक है वो भी कंट्रोल्ड बाय इसराइल इन इन इनडायरेक्ट वे, कि ऐसे जबकि वेस्ट बैंक की अपनी गवर्नमेंट है वो सब है, तो आप कह सकते हैं कि इसराइल का काफ़ी हर जगह पे कंट्रोल है और कोई ऐसे अननेसेसरी किसी इंसान को मारपीट नहीं कर सकता। नहीं, पर मैं तो वो देख रही हूँ कि दोनों साइड में बहुत ही आराम से एक इंडियन जो है घूम पा रहा है, दैट इज अमेजिंग। और कह रहे हैं कि इनको आने दिया, पर पैलेस्टीन से अगर कोई आना चाहता है वहां, वो कह रहे थे उनको नहीं अलाउ कर रहे कि तुम यहाँ इसराइल के अंदर घुस सकते हो। सेम प्रोसेस था गाजा का भी, सेम प्रोसेस वेस्ट बैंक का भी है कि फिलिस्तीन अपने एरिया में रहेंगे और जो इसराइल के लोग हैं अपने एरिया में रहेंगे, कोई जाना चाहता है उस ओके, बट मतलब आ नहीं सकते, मतलब ऐसा अनलेस कोई प्रूफ करे तब जरूरत हो तभी आ पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट। पर इसराइल देख लिया यार, फोन का जरूर बताना, फोन का क्या चक्कर। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।